और 24 घंटे कौन पढ़ सकता है? ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को अपने साथ एंगेज करते हैं? कितनी बड़ी लर्निंग हम बच्चों की मिस कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ एंगेज करें, 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता है तो फिर वो कुछ और करता है। 24 घंटे तो कोई पढ़ नहीं सकता तो फिर वो और ही हम करके काम करते, फिर उनको कुछ और चाहिए। आजकल बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी भी बंद है, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो ऐसे करते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारा बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, तो ये एक एज ए ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे कोई दूसरा बाहर का आपके बच्चे के साथ कनेक्ट करेगा। तो बाहर का आदमी कोई और कनेक्ट कर दिया, जो आप नहीं सुन रहे वो बच्चा उसे सुनाएगा। ऐसा पहले ही मॉडल कर कनेक्ट करिए बच्चों के साथ, जो वो कहना चाहते हैं सुनिए। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी हमने स्कूल में कराई कि आई विश माई पेरेंट्स डू दिस, आई लिटरली क्राइड। हमने बच्चों से लिखवाया कि आप ये लिखिए कि आप ऐसा विश करते हैं कि आपके पेरेंट्स को आपके बारे में ये पता हो। पहला जो था स्लिप उसमें लिखा था आई विश माय पेरेंट्स नो दैट आई एम अ गुड बॉय। एक बच्चे ने लिखा कि आई विश माय पेरेंट्स एग्री दैट आई वांट टू टेक कॉमर्स, आई डू नॉट लाइक साइंस। क्यों हम इतना प्रेशर करते हैं बच्चे के ऊपर मार्क्स का, स्ट्रीम का?
समझने वाली, फिर समझने के बाद उसे अप्लाई कर सके, उसे एनालाइज कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे?